नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा फ्लिपकार्ट की बिग 7 डे सेल के कुछ ऐसे स्मार्टफोन के बारे में जो हमें इस सेल में काफ़ी अच्छी प्राइस पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ सैमसंग का ही फ़ोन चाहिए होता है। सैमसंग के अलावा दोस्तों उन्हें कोई सा भी ब्रांड पसंद नहीं आता, ना ही दोस्तों उन्हें किसी और ब्रांड का भरोसा होता है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन दिखाने वाला हूँ जो हमें सैमसंग के तरफ से देखने को मिलते हैं इस सेल के अंदर। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों, उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ ऐसे स्मार्टफोन दिखाऊंगा जो हमें सैमसंग की तरफ से मिलते हैं इस सेल के अंदर। और दोस्तों, जितने भी फ़ोन मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारे दोस्तों अलग अलग प्राइस पर आते हैं, तो आप अपने बजट के हिसाब से इनमें से कोई सा भी खरीद सकते हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले फ़ोन की बात करें तो जी दोस्तों, सैमसंग गलेक्सी F12। दोस्तों, इसकी प्राइस की बात की जाए तो जी दोस्तों 12,000 रुपये। बैंक डिस्काउंट लगाती है दोस्तों तो जी आपको 11,250 रुपये का मिल जाएगा, 4GB और 128GB वाले वेरिएंट। दोस्तों, इसे फीचर की बात की जाए तो इसमें आपको दोस्तों एक्जिनोज का 850 प्रोसेसर देखने को मिलता है, 6.5 इंच की HD प्लेट डिस्प्ले देखने को मिलती है। दोस्तों, इसमें आपको 6000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है और क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है जिसमें दोस्तों मेन कैमरा है वो है दोस्तों 48MP का। और दोस्तों, सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोस्तों वो है इसमें आपको मिलता है 8MP का सेल्फी कैमरा। तो दोस्तों, आप स्पॉन्सर पर जा सकते हो अगर आपको एक ऐसा फ़ोन चाहिए हो सैमसंग ब्रांड का हो, देखने में काफ़ी अच्छा लगे, बैटरी काफ़ी बड़ी हो और आपको गेमिंग से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ नॉर्मल यूजेज के लिए फ़ोन चाहिए सैमसंग ब्रांड का, तो आप स्पॉन्सर पर जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों सैमसंग के दोस्तों जो फ़ोन होते हैं उनमें दोस्तों आपको UI का दोस्तों कस्टम UI मिलती है वो दोस्तों काफ़ी अच्छी मिलती है, इसमें आपको बिल्कुल भी लैगिंग नहीं मिलेगी अगर आप गेमिंग नहीं करते हो। तो आपका बेटा अगर 12,000 रुपये का समथिंग है तो आप इस फोन पर जा सकते हो। क्योंकि दोस्तों जो फ़ोन मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको सेल के अंदर मिल रहे हैं। वैसे दोस्तों सैमसंग काफ़ी फ़ोन है जो आपको फ्लिपकार्ट मिल जाएंगे, बट सेल के अंदर दोस्तों जो फ़ोन आपको मिल रहे हैं मैं उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो F12 दोस्तों आपको मिलता है 12,000 रुपये के अंदर, जैसे आप इस सेल से खरीद सकते हो। बैंक डिस्काउंट लगाने के बाद दोस्तों इसकी प्राइस कम हो जाती है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ नेक्स्ट फ़ोन की, तो वो दोस्तों सैमसंग गलेक्सी F41। दोस्तों, इसकी प्राइस इस सेल में है दोस्तों 14,500 रुपये, 6GB और 128GB वाले वेरिएंट की। दोस्तों, इसमें आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देख दिए गए हैं इस फ़ोन के अंदर। इसमें आपको 6000mAh की बैटरी दी गई है, एक्जिनोज का 9600 प्रोसेसर दिया गया है जो सैमसंग अपने काफ़ी फोनों में दे चुका है, 6.4 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले दी गई है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। और दोस्तों 64MP का मेन कैमरा दिया गया है और 32MP का दोस्तों इसमें सेल्फी कैमरा दिया गया है। दोस्तों, अगर आपका बजट 14-15,000 रुपये के अंदर है तो आप इस फ़ोन को ले सकते हो। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं और सैमसंग का दोस्तों भरोसा मिलता है, फुल HD डिस्प्ले मिलती है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है और बैटरी भी काफ़ी बड़ी है। और दोस्तों जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है वो दोस्तों आपको दिया गया है बैक में। दोस्तों, आप देख सकते हो कैमरे की डिज़ाइन दोस्तों इस फ़ोन की काफ़ी अच्छी है, कलर भी दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे आते हैं और डिस्प्ले भी काफ़ी बड़ी है। बैटरी भी दोस्तों 6000mAh की है जिसमें दोस्तों आपको 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आसानी से मिल जाएगा अगर आपका नॉर्मल यूज हो जाए तो। और दोस्तों मल्टीटास्किंग भी काफ़ी अच्छी करता है और दोस्तों टाइम पर इस फ़ोन में अपडेट आते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको सैमसंग का एक अच्छा फ़ोन चाहिए, बजट फ़ोन और काफ़ी कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए जो छोटा लगे हाथ में, तो आप इस फ़ोन से जा सकते हो। दोस्तों, ये एक ऑलराउंडर फ़ोन है इस प्राइस के हिसाब से। अब दोस्तों बात करता हूँ मैं नेक्स्ट फ़ोन की, तो वो दोस्तों सैमसंग का F62। जी हाँ दोस्तों, इसकी प्राइस तो वैसे 20,000 रुपये के ऊपर होती है बट अभी सेल के अंदर दोस्तों जी आपको मिल रहा है सिर्फ 18,000 रुपये का। बैंक डिस्काउंट लगाते हो तो जी आपको सिर्फ दोस्तों 17,250 रुपये का मिल जाएगा, यानी दोस्तों 17,000 रुपये समथिंग मान लो इस फ़ोन को। और 17,000 रुपये में दोस्तों आपको 6GB और 128GB वाले वेरियंट मिलता है। दोस्तों एक्जिनोज का दोस्तों एक काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर मिलता है 9825 जो दोस्तों आपको सैमसंग के नोट 10 में मिला था। दोस्तों काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, 64MP कैमरा मिलता है मेन कैमरा और दोस्तों क्वाड कैमरा सेटअप है बैक में, फ्रंट कैमरा दोस्तों इसका 32MP का है। और इसकी डिस्प्ले की बात की जाए तो 6.7 इंच की सुपर AMOLED डिस्प्ले है फुल HD रेजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको एक सैमसंग का एक ऐसा फ़ोन चाहिए जिसमें दोस्तों बैटरी काफ़ी बड़ी हो, 7000mAh की डिस्प्ले काफ़ी बड़ी हो, कैमरे काफ़ी अच्छे हों और दोस्तों प्रोसेसर दोस्तों काफ़ी अच्छा हो, तो दोस्तों आप इस फ़ोन को ले सकते हो। अगर आपने ये फ़ोन ले लिया तो फिर दोस्तों आपको किसी भी कोई बात की कोई टेंशन नहीं होगी किसी भी चीज़ को लेके, चाहे दोस्तों आप गेमिंग करो या दोस्तों आप गेमिंग कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो
या आप दोस्तों फोटोग्राफी कर सकते हो। आपको इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं प्राइस के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों इसकी दोस्तों ये प्राइस है वो है दोस्तों 22,000 रुपये, बट अभी सेल में जो आपको मिल रहा है सिर्फ 17,250 रुपये का। अगर आपके पास आई से ये कार्ड नहीं है फिर भी ये आपको 18,000 रुपये का मिल जाएगा तो आप ये फ़ोन ले सकते हो। और दोस्तों जो भी फ़ोन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको सिर्फ इस सेल के अंदर मिल रहे हैं इन प्राइस के ऊपर। और सबसे अच्छी बात दोस्तों इन फ़ोनों की ये है कि ये फ़ोन आपको नो कॉस्ट EMI के ऊपर भी मिल जाएंगे। अगर आपके पास बजाज कार्ड है तो आपको ये तीनों फ़ोन नो कॉस्ट EMI के ऊपर ही मिल जाएंगे। और बजाज कार्ड भी नहीं है फ्री दोस्तों, ये आपको HDFC बैंक के ऊपर डेबिट कार्ड के ऊपर इनको EMI के ऊपर मिल जाएंगे। तो आपका जो भी बजट है 12,000 रुपये, 15,000 रुपये या 17-18,000 रुपये, तो आप तीनों में से कोई सा भी ले सकते हो। तीनों ही फ़ोन दोस्तों सैमसंग कंपनी के हैं और तीनों ही फ़ोन दोस्तों F सीरीज के हैं जो आपको फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल के अंदर मिलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।